नमस्कार, देश और दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया और इस बुलेटिन में हम बात करेंगे मणिपुर के बाद अब हरियाणा में हो रही हिंसा की। साथ ही हम बात करेंगे कि कैसे अविश्वास प्रस्ताव पर पीएम मोदी अब संसद में चर्चा करने को हो गए हैं तैयार। इसके साथ ही हम बात करेंगे कि पीएम मोदी ने अवार्ड लेते ही कहा 140 करोड़ जनता को समर्पित है उनका ये अवार्ड। साथ ही बात करेंगे कि पटना हाईकोर्ट ने सुनाया है फैसला जिसमें उन्होंने कहा है कि बिहार में होगी जातीय जनगणना। आइए इसके साथ ही नज़र डालेंगे देश की कुछ और मुख्य खबरों पर। आइए नज़र डालते हैं देश की सबसे बड़ी खबरों पर। सबसे पहली खबर, हरियाणा के नूह में विश्व हिंदू परिषद की ब्रजमंडल यात्रा पर पथराव के बाद हुई हिंसा ने चारों तरफ डर का माहौल बना दिया है। पथराव के बाद हुई हिंसा में करीब 40 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया है। इतना ही नहीं, पुलिसकर्मियों की हमला किया गया जिसमें अब तक 2 होमगार्ड समेत 3 की मौत हो चुकी है। हालत पर काबू पाने के लिए पैरामिलिट्री फोर्स को बुलाया गया है। नूह, रेवाड़ी, पलवल और फरीदाबाद में धारा 144 लागू है, मोबाइल इंटरनेट बंद है। नूह, गुरुग्राम और फरीदाबाद में मंगलवार को स्कूल कॉलेज बंद हैं। हिंसा की वजह से बोर्ड के 1-2 अगस्त को होने वाली 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं भी रद्द कर दी गई हैं। हिंसा की शुरुआत के बारे में बात करें तो सोमवार को नूह के जिले के नंदगांव के पास विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को ब्रजमंडल यात्रा निकाली थी। इसी दौरान तिरंगा पार्क के पास से पहले ही खड़ी भीड़ ने यात्रा पर पथराव कर दिया। अगली खबर, विपक्ष में अविश्वास प्रस्ताव पर अगले हफ्ते 8 अगस्त को प्रश्नकाल के बाद चर्चा शुरू होगी। इस मुद्दे पर 9 अगस्त को भी चर्चा जारी रहेगी और 10 को प्रधानमंत्री सदन में बोलेंगे। बीते दिनों मणिपुर के मुद्दे पर विपक्ष सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया था जिसको लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंजूरी दे दी थी। लोकसभा में विपक्षी दलों की तरफ से सरकार के खिलाफ लाया जाने वाला प्रस्ताव अविश्वास प्रस्ताव कहलाया जाता है। सरकार को लोकसभा में बहुमत साबित करने की चुनौती के लिए इसे लाया जाता है। नियम 1998 के तहत कोई भी सदन का सदस्य अविश्वास प्रस्ताव की नोटिस दे सकता है। लोकसभा अध्यक्ष जब कार्यवाही का हिस्सा बनता है, समर्थन में 50 सदस्यों का होना बेहद जरूरी है। लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल को 10 बजे से पूर्व लिखित में नोटिस देना होता है। अगली खबर, वाराणसी की ज्ञानव्यापी मस्जिद पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिए गए बयान के बाद विवाद काफी तेज हो गया है। इसके बाद सपा के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी उन पर पलटवार किया है। हमलावर अंदाज में अखिलेश यादव ने कई सवाल दाग दिए, साथ ही हरियाणा की हिंसा, मणिपुर प्रकरण और पर डबल इंजन सरकार को नाकाम बताया। बता दें कि मंगलवार की सुबह अखिलेश यादव ने धर्म को लेकर नसीहत भरा ट्वीट भी किया है। अखिलेश यादव ने लिखा कि धर्म जीवन के साथ ही मानवीय व्यवहार, सामाजिक सहनशीलता, व्यक्तिगत सकारात्मक उत्थान और चतुर्दिक सह अस्तित्व सिखाने का मार्ग है। धर्म लिबास से नहीं, विचार और आचार से प्रकट किया जाना चाहिए। धर्म धमकी नहीं होता है। दरअसल सीएम योगी ने सोमवार को ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर बयान दिया था। योगी ने कहा कि अगर ज्ञानव्यापी को मस्जिद कहेंगे तो विवाद तो होगा ही। भगवान ने जिसको जैसी दृष्टि दी है वो देखे, त्रिशूल मस्जिद के अंदर है, क्या कर रहा है, हमने तो नहीं रखा। ज्योतिर्लिंग है, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला कर क्या कह रही है। मुझे लगता है कि यह प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि ऐतिहासिक गलती हुई है, उसी गलती का हमसे समाधान किया जाए। अगली खबर, महाराष्ट्र के पलघर के रेलवे स्टेशन के पास एक चलती ट्रेन में आरपीएफ जवान चेतन सिंह ने सोमवार सुबह 5 बजे फायरिंग की जिसमें 4 लोगों की जान चली गई। बता दें कि इस मामले की जांच कर रही पुलिस टीम ने कहा कि आरपीएफ जवान ट्रांसफर के चलते तनाव में था और उसकी दिमागी हालत स्थिर नहीं थी। सैफुद्दीन ओवैसी ने इस घटना को सांप्रदायिक रंग दे दिया है। उन्होंने कहा कि आरोपी मानसिक तौर पर अस्थिर था, ऐसा कहना गलत है। उन्होंने कहा यह एक टारगेट किलिंग है। बड़ा सवाल है कि आरोपी आरपीएफ जवान ने चुन चुन कर सिर्फ मुस्लिमों को ही क्यों मारा। उन्होंने कहा कि एक एसआई और 3 मुस्लिमों की आरपीएफ जवान ने हत्या कर दी, उसने चुन चुन कर मुस्लिम यात्री को ही मारा। एएसआई के अलावा एक और मुस्लिम यात्री है जिसने गोली मारी थी। इसके बाद वो बोगी नंबर 6 में भी गया और वहां भी सिर्फ 2 मुस्लिम को ही उसने गोली मारी है। अगली खबर, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से कहा है कि वे मणिपुर वायरल वीडियो मामले में पीड़ित आदिवासियों के बयान की रिकॉर्डिंग पर सुनवाई होने तक रोक लगाए। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि वे आज से सुनवाई के नतीजे का इंतजार करने के लिए सीबीआई को बताएं। कुकी पक्ष की ओर से वकील निजाम पाशा ने अदालत में को सूचित किया कि सीबीआई आज दोपहर में बयान दर्ज करने जा रही है, जिसके बाद शीर्ष अदालत ने सीबीआई से बयान दर्ज कराने के पहले अगले आदेश की प्रतीक्षा करने को कहा है। सीजीआई ने कहा कि सीबीआई को आज की सुनवाई के नतीजे तक इंतजार करने के लिए कहें। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि अच्छे इरादे से किया गया है, लेकिन वह सीबीआई को बयान दर्ज करने से परहेज करने के लिए कहेंगे। सोमवार को शीर्ष अदालत की पोस्ट ने बचे लोगों के बयान दर्ज कराने के लिए एक पैनल के मामले में एक और विशेष जांच दल के गठन करने का संकेत दिया था।
अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पुणे में लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पीएम मोदी ने इसे अविस्मरणीय क्षण बताया। उन्होंने कहा कि मैं लोकमान्य तिलक अवार्ड को 140 करोड़ देशवासियों को समर्पित कर रहा हूं। इसके साथ ही पीएम मोदी ने पुरस्कार के साथ मिलने वाली राशि को नमामि गंगे परियोजना में दान देने की घोषणा भी की है। पीएम मोदी ने कहा कि आज का ये दिन मेरे लिए बहुत अहम है। मैं यहाँ जितना उत्साहित हूँ उतना भावुक भी हूँ। अभी कुछ देर पहले मैंने मंदिर में गणपति जी का आशीर्वाद भी लिया। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार मिलना सम्मान की बात है। ये छत्रपति शिवाजी की धरती है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि पुरस्कार राशि दान करने के लिए घोषणा की है, जिसको नाम गंगाधर हो उनके नाम पर दी गई राशि को भी गंगा जी को ही समर्पित कर देना चाहिए। मैं पुरस्कार राशि नमामि गंगे परियोजना को समर्पित करता हूँ। अगली खबर, बिहार में जातीय गणना पर लगी रोक को पटना हाईकोर्ट ने हटा दिया है। नीतीश सरकार के पक्ष में फैसला देते हुए हाईकोर्ट ने कहा है कि बिहार में जातीय आधारित जनगणना होनी चाहिए। 4 मई को पटना हाईकोर्ट की ओर से अंतरिम रोक लगाई गई थी। याचिकाकर्ता के वकील दीनू कुमार ने कहा कि अब हम सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। बिहार सरकार को जाति गणना कराने का अधिकार नहीं है। जाति आधारित गणना पर रोक की मांग को लेकर कुल 6 याचिका दायर की गई थी। सभी याचिका खारिज हो गई हैं। पटना हाईकोर्ट ने 5 दिनों तक विस्तृत दलीलें सुनने के बाद 7 जुलाई को राज्य पर जाति आधारित सर्वे करके बिहार सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। याचिकाकर्ताओं और बिहार सरकार की दलीलों को सुना गया था। आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए द पब्लिक इंडिया। धन्यवाद।